प्रिय विद्यार्थियों, इस समय आप देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के हिंदी विविध प्रश्नावली क्रमांक 3 के प्रश्नोत्तर। और इस वीडियो के साथ में कक्षा 8 हिंदी के सभी प्रश्नोत्तर हो जाते हैं। इसके बाद में कक्षा 8 हिंदी से संबंधित जो भी वीडियो है बाद में लेके आऊंगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। महेश्वर, नर्मदा, धर्मरथ, भगवान राम, नौ संवत्सर, विक्रम संवत, वसीयतनामा, जायदाद, पथिक, पद, ये सही जोड़िया है। सही विकल्प चुनिए। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती थी, तोन लटक कर घुटनों को छू जाती, पंक्ति में रस है, हास्य। वन का पर्यायवाची शब्द है अरण्य। सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिनों में पूरी करती है। इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त होगा ऐतिहासिक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था। महेश्वर को सूर्यवंश के राजा मानधाता ने बसाया था। भगवान राम धर्म रस से ही विजय प्राप्त करने पर बल देते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। महाराजा की बातों से पक्का विश्वास हो गया। अति लघुत्तरी प्रश्न, धर्मरथ के चार घोड़े कौन कौन से हैं? तो धर्मरथ के चार घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार है। महेश्वर पर किन किन सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा? तो महेश्वर पर गुप्तकालीन प्रागैतिहासिक और गुप्तकालीन सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। तो बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक के लेखक का नाम सालिम अली है। मोहन ने गांधी जी की किस बात पर चलने का प्रयास किया? तो मोहन ने गांधी जी की अन्याय के सामने सिर न झुकाने की बात पर चलने का प्रयास किया है। लघुत्तरी प्रश्न, रावण की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो रावण में घमंड और अभिमान की अधिकता थी। रावण न्याय और नीति के विरुद्ध श्रीराम से लड़ रहा था, जबकि श्रीराम धर्म रथ पर सवार थे, इसी कारण वह युद्ध में मारा गया। तलवार के पराक्रमी वीरों के नाम बताइए। तो तलवार के पराक्रमी वीरों के नाम है महाराजा शिवाजी, महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, विक्रमादित्य, महाराजा भोज आदि। पूर्णिमांत और अमांत किसे कहते हैं? तो शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमांत कहते हैं तथा कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमांत कहते हैं। शारदीय और बासंती नवरात्रि किसे कहते हैं? तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जबकि रामनवमी को समाप्त होने वाली नवरात्रि को बासंतीय नवरात्रि कहते हैं। सुंदरता की मृग तृष्णा किन दृश्यों से पता चलती है? तो सुंदरता की मृग तृष्णा दुर्वादल, सरिता और सरोवरों आदि के दृश्यों से पता चलती है। वसीयत नामे के न्याय को जाते समय मिली युवती ने राजा को अंधा क्यों कहा? तो वसीयत नामे के न्याय को जाते समय मिली युवती ने राजा को अंधा इसलिए कहा क्योंकि वह राजा की बहन थी और राजा को अपनी बहन के विवाह की चिंता नहीं हो रही थी। शेर सिंह ने मोहन और बच्चों से किस बात पर शर्मिंदगी व्यक्त की? इसका उत्तर है, शेर सिंह ने मोहन को अकारण ही चप्पत लगा देने के कारण मोहन और उसके दोस्तों से शर्मिंदगी व्यक्त की। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रथम का अंतिम, सफलता का असफलता, अनुराग का विराग, मांग का पूर्ति, सम्मुख का विमुख। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, धर्मरथ के माध्यम से रत्नाकर हमें क्या शिक्षा देना चाहता है समझाइए। तो धर्मरथ के माध्यम से रत्नाकर हमें शिक्षा देना चाहता है कि हमारे अंदर शौर्य और धैर्य के दो पहिए तथा सत्य और सिर के दो ध्वजा पताकाएं हैं। रथ को खींचने वाले चार घोड़े बल, विवेक, यम और परोपकार होते हैं। इन चार घोड़ों को क्षमा, दया, समता की रस्सी से जोता जाता है। ईश्वर का भजन ही श्रेष्ठ ज्ञान से संपन्न सारथी होता है। संसार युद्ध में हमें हथियार के रूप में वैराग्य, संतोष, दान, बुद्धि तथा श्रेष्ठ विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। गुड़ी पड़वा किस उपलक्ष्य में तथा किस प्रकार मनाया जाता है? इसका उत्तर है, लोक परंपरा के अनुसार इसी दिन श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली का वध करके उसके स्वेच्छाचारी राज का अंत किया था।
इस खुशी में वहां की प्रजा ने पताकाएं फहराकर उत्सव मनाया था। इन पताकाओं को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं। आजकल वहां आंगन में बांस के सहारे गुड़ी खड़ी की जाती है। भारतीय पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा विक्रम संवत का प्रथम दिन है। शिव मंगल से सुमन पथिक से क्या कहना चाहते हैं समझाइए। तो शिव मंगल से सुमन पथिक से कहना चाहते हैं कि मार्ग में कितनी ही कठिनाइयां आए उसे अपने मार्ग से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। अनेक सौंदर्यपूर्ण दृश्य सामने आकर तुम्हें प्रलोभित कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तविक रूप से वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। उनकी सुंदरता मृत तृष्णा के समान है जो एक भ्रम के समान है। रूपक अलंकार को उदाहरण सही समझाइए। जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है तो महा रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर। इन पंक्तियों में संसार उपमेय और रिपु उपमान है, दोनों एक रूप हो गए, अतः यहां रूपक अलंकार है। निम्न पंक्तियों का भाव से लिखिए। किसी लोलुप नजर ने यदि हमारी मुक्ति को देखा, उठे कि तब प्रलय की आग जिस पर शार सोई है। इसका भावार्थ है, यदि किसी दुश्मन देश ने हमारे देश की शांति को लालची भरी निगाहों से देखकर हमारी शांति को भंग करने की सोची तो तत्काल ही विनाश की आग फूटेगी जिसको हमने दबाकर रखा है। निम्नलिखित पंक्ति को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राधा का मुख मानो कमल समान अति सुंदर, पंक्ति में उपमेय क्या है? तो यह है राधा का मुख। पंक्ति में उपमान क्या है? कमल। वाचक शब्द क्या है? मानो समान अति सुंदर। प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। उत्प्रेक्षा, अपना स्वरूप कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। उक्त पाठ वर्तमान में पाठ्य पुस्तक से हटा दिया गया है। नन्ना सत्याग्रही पाठ से क्या शिक्षा मिलती है अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। यदि उसके लिए संघर्ष भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। शिव मंगल जी सुमन द्वारा रचित पथिक से कविता के कम से कम दो पद्यांश लिखे है। तो पहला पद्यांश है, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कंटे तो होंगे कांटे तो होंगे ही, दुर्वा दल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरी वन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्जर होंगे, सुंदरता की मृत तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। नंबर दो है, जब कठिन कर्म पग डंडी पर राही का मन उन्मन होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। प्रश्न नंबर 10, वसीयत नामे का रहस्य कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, वसीयत नामे का रहस्य कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बेटे की बुरी नीयत से पिता कभी अनभिज्ञ नहीं रहता। इसलिए गांव के वयोवृद्ध किसान ने चार बेटों के होते हुए भी तीन के नाम वसीयत की। इस समस्या को हल करने वाला बुद्धिमान ही होगा, अतः बेटी का विवाह भी उसी बुद्धिमान से हो जाएगा। इस कहानी से वयोवृद्ध किसान की दूरदर्शिता एवं बुद्धिमानी को रेखांकित किया है। रेडक्रॉस संस्था के उद्देश्यों को लिखिए। तो रेडक्रॉस संस्था के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए भोजन कपड़े एवं दवाइयों का प्रबंध करना, उन लोगों की सही देखरेख करने में सहायता करना, युद्ध काल में घायल एवं बीमार सैनिकों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित लोगों को सहायता प्रदान करना। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है। निष्कपट और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का पाठ भी यही सीखता है। गुरु की आज्ञा का पालन और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है। यथाशक्ति मानवता को पोषित करने का भाव भी यही मिलता है। वास्तव में विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है।
तो प्रश्न है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? विद्यालय में। रेखांकित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। रेखांकित है विद्यालय, निष्कपट और निस्वार्थ। तो विद्यालय होगा विद्याधनालय, निष्कपट निहधन कपट, निस्वार्थ निहधन स्वार्थ। पंक्तियों में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, तत्पुरुष समास। विद्यालय में छात्र क्या क्या सीखता है? तो विद्यालय में छात्र व्यक्तित्व निर्माण, आज्ञा पालन, चरित्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम आदि। तो आपने देखा ये कक्षा 8 हिंदी विविध प्रश्नावली क्रमांक 3 के प्रश्नोत्तर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।